हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं हरे मटर की दाल, जिसे बनाना बहुत आसान है। कोई इसमें झंझट नहीं है, आप आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे बेल आइकन पर दबाते ही ऑल पे क्लिक करिए, मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं हरा मटर ली हूँ, 350 ग्राम है। इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। देखिए, हमने इसे पीस लिया है। ऐसे ही पीसना है, ऐसा ही। अब इसे हम दाल बनाएंगे। इस दाल को हम कुकर में बनाएंगे। तो इसमें हमने हरे मटर को जो पीसा था उसको डाल दिया है, और मिक्सी में अब जो है हमने पीसे हुए हरे मटर को इसमें डाल दिया है कुकर में। इसे हम कुकर में बनाएंगे, और जो इसमें लगा था पैन में तो हम इसे भी थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डालेंगे। और इसमें पानी हमने लगभग 1.5 गिलास तक डाला है। अभी तक ये गाढ़ी है। जिसको पतला चाहिए वो थोड़ा पानी अधिक डालेंगे, जिसको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उसको कम डालना चाहिए। देखिए, ये सही है, पकने पर थोड़ा पतला होगा तो ऐसा ही रखना चाहिए। और इसमें हम थोड़ा सा खड़ा मटर रखे थे उसे भी हम इसमें मिला देंगे। हमने कुकर को मीडियम गैस पे रखा है, इसका आंच ज्यादा तेज नहीं रखना चाहिए। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, आधा स्पून चम्मच हमने लिया है। और अब हम इसे बंद कर देंगे। अब इसे हम बंद कर देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए बनाएंगे। हम 15 मिनट गैस पर रखेंगे, 15 मिनट में ये पक जाएगा। 15 मिनट में हो चुका है। अब इसे हम उतार देंगे, गैस हमने ऑफ कर दिया है। अब हम दाल को फ्राई करने के लिए हमने एक चौथाई चम्मच जीरा लिया है, 2 लौंग लिया है, और थोड़ा सा ये दालचीनी है, 2 तेज पत्ता है, और लहसुन की 4-5 कलियां जिसको हमने काट के रख लिया है, 2 हरी मिर्च को हमने काट के रख लिया है, और एक प्याज, छोटा सा प्याज था उसको हमने काट के रख लिया है, और ये 2 सूखी मिर्च है, लाल मिर्च, इसको हमने तोड़ के रख लिया है, और एक टमाटर इसमें फ्राई करेंगे उसको भी हमने चॉप कर लिया है, और एक बड़ी इलायची है जिसे हमने कूट के रखा है, और ये हींग है। अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। हमने एक पैन लिया है जिसमें हम 1 चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल गरम हो जाए, ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे और इसमें लौंग डालेंगे, दालचीनी डाल दिए। अब इसमें हम हींग डालेंगे, लहसुन जिसे हमने काट के रखा है इसे हम डालेंगे। और ये बड़ी इलायची जिसे हमने कूट कर रखा है इसे डाल देंगे। ये सूखी मिर्च डाल देंगे। अब हरी मिर्च को भी डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज को डालेंगे। प्याज सुनहरा हो जाए तब हम टमाटर को डालेंगे। देखिए, प्याज का कलर आ रहा है।
ये प्याज भून गया है, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर थोड़ा गल जाए देखिए, ये अब हो गया है। अब हम इसे दाल में डालेंगे। इसको हम दाल में डाल देंगे। देखिए दाल बहुत गाढ़ा हुआ है। इसको डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। 2 मिनट के लिए हम ढक के रहने देंगे ताकि इसका जो सुगंध है इसी में रहे। देखिए दाल कितना अच्छा बना है, टेस्टी और स्वादिष्ट। कितना ये गाढ़ा भी बना है। आप इसे बनाइए, आप इसे चावल रोटी के साथ खा सकती हैं। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।